घुटने के दर्द या संधिवात के केसेस में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाली दवाई या सप्लीमेंट ग्लूकोसामीन की आज हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, ये मॉलिक्यूल वर्ल्ड वाइड सबसे अधिक पिछले 30 साल में इस्तेमाल किया जाता है, ये सोच करके कि ये मरीजों के जोड़ों की सर्जरी को रोकने के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। पर अनफॉर्चुनेटली पिछले 30 साल में ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। जोड़ों के केसेस की सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट के केसेस डे बाई डे बढ़ते चले जा रहे हैं। उसी तरह से जैसे पूरे वर्ल्ड में ग्लूकोसामीन का इस्तेमाल बहुत अधिक होता है, हमारे देश में भी अक्सर आपने देखा होगा डॉक्टर्स आपके प्रिस्क्रिप्शन में ग्लूकोसामीन लिखते हैं, परंतु चूंकि वो प्रिस्क्राइबिंग ड्रग्स लिखते हैं तो आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि इसका सोर्स क्या है, क्योंकि ग्लूकोसामीन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर नॉनवेज सोर्स से आता है, इसे शेल फिश से एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। पर चूंकि प्रिस्क्रिप्शन के अंदर कोई भी रेड मार्क या ग्रीन मार्क होता नहीं है तो जाने अनजाने में मरीज इसे कंज्यूम करता रहता है। पर वहीं जब इसको सप्लीमेंट के अंदर लिखा जाता है तो मरीज को मालूम पड़ता है कि रेड मार्क है और ये नॉनवेज सोर्स से आया है। पर दवाइयों के अंदर हमको रेड और ग्रीन मार्क को देखने से कायदे से अवॉइड करना चाहिए, पर फिर भी कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स इससे जुड़े हुए हैं तो वो अकॉर्डिंगली इसका इस्तेमाल या इसके इस्तेमाल से बच सकते हैं। अब जहां तक सवाल है ग्लूकोसामीन के इस्तेमाल का, तो ग्लूकोसामीन हमारे जोड़ों के टिश्यू साइनोवियल फ्लूइड उसका एक हिस्सा नेचुरली होता है, तो डॉक्टर्स अक्सर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं इस एंटीसिपेशन में कि यह हमारे जोड़ों के अंदर हाइलुरोनिक एसिड को बनाएगा जिससे जॉइंट्स की मोबिलिटी इंप्रूव होगी, सूजन इंप्रूव होगी, दर्द कम होगा और पेशेंट की मोबिलिटी बढ़ेगी। परंतु जो ह्यूमन ट्रायल का डेटा है वो कुछ और बताता है। कुछ ह्यूमन ट्रायल्स हुई जो ये बताती हैं कि ग्लूकोसामीन के अपने रिजल्ट्स हैं जॉइंट के दर्द के अंदर, पर कई सारी ह्यूमन ट्रायल्स का डेटा ये बताता है कि एक प्लेसिबो की तरह काम करता है, इससे कोई बेनिफिट नहीं होता। वहीं पर कुछ साइड इफेक्ट इसके हो सकते हैं, जैसे जो मरीज ब्लड थिनर के ऊपर हैं, वारफेरिन सोडियम जैसी दवाइयां ले रहे हैं, वहां क्लॉटिंग के साथ में ये इंटरफेयर कर सकता है। अगर किसी मरीज को ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो ये उसे बढ़ा सकता है, अगर किसी मरीज को डायबिटीज है तो ये ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा सकता है, तो ऐसे केसेस के अंदर इसका इस्तेमाल कॉशियसली करना चाहिए। चूंकि पिछले 30 साल के अंदर इतने वाइड स्प्रेड यूज के बाद में भी नी सर्जरी के केसेस में कोई कमी नहीं आ रही है, बल्कि दिन पे दिन ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लखनऊ और इस प्रकार के कई इंडियन लैबोरेटरी और ग्लोबली कई लैबोरेटरी के अंदर रिसर्च वर्क चालू है जो आर्थराइटिस की बेटर मेडिसिन की तरफ खोज कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लखनऊ के साइंटिस्ट ने हाल ही के कुछ वर्षों के अंदर देसी पालक से एक एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाला टेरोस्पर्मिन सी, और इस एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल से उन्होंने ये पाया कि जॉइंट के अंदर कार्टिलेज को बहुत अच्छे से रिपेयर और रीबिल्ड किया जा सकता है। और जब इस मॉलिक्यूल को ह्यूमन ट्रायल्स के अंदर इस्तेमाल किया गया तो पाया कि इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, और इसके रिजल्ट्स अच्छे होने का कारण ये है क्योंकि CDRI के साइंटिस्ट ने इसके पीछे नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप किया। इस नैनो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण आपके शरीर में ये लिम्फेटिक रूट से जाकर के जोड़ों के साइनोवियल फ्लूइड में अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है, जिसके कारण कार्टिलेज पर इसकी एफिकेसी देखने में आती है। इसी कारण इसको US के अंदर पेटेंट मिला। जो भी मॉलिक्यूल आज मार्केट में ग्लूकोसामीन या अन्य प्रकार के अवेलेबल हैं जो जोड़ों के दर्द में अक्सर एडवाइज या प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्लड रूट से काम करते हैं, और चूंकि कार्टिलेज के अंदर खून की सप्लाई होती नहीं है तो उनकी एफिकेसी उस पर बनती नहीं है, और मरीज धीरे धीरे प्रोग्रेस करता चला जाता है, जोड़ों का गैप घटता जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि हड्डी पे हड्डी रगड़ने लगती है और मरीज को सर्जरी करानी पड़ती है। तो इस पालक के एक्सट्रैक्ट के इस्तेमाल से जोड़ों में होने वाली सर्जरी से बचा जा सकता है, और ह्यूमन ट्रायल के डेटा के अंदर जब ये की गई तो ये पाया गया कि कुछ ही हफ्तों के अंदर जोड़ों के दर्द, सूजन और पेशेंट के मूवमेंट के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं,
और जो कार्टिलेज को डैमेज करते समय जो कुछ तत्व बनते हैं, जो केमिकल्स बनते हैं, जैसे CTX2, कॉम, इनका कॉन्सेंट्रेशन जब आपकी कार्टिलेज डैमेज हो रही होती है तो आपके ब्लड में और यूरिन में बढ़ जाता है। तो पालक के एक्सट्रैक्ट के रेगुलर यूज से 3 से 6 महीने में ये पाया गया कि ये CTX2 और कॉम्प का एक्सक्रीशन यूरिन के अंदर और ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन काफी कम हो जाता है, जो ये बताता है कि कार्टिलेज के डीजनरेशन को ये रोकने में सक्षम है। वहीं जब 1 साल के बाद में या 9 महीने के बाद में एक्सरे निकाल के देखा जाता है तो जोड़ों के अंदर जो गैप घट रहा होता है वो रुक जाता है या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट दर्ज किया जाता है। तो ये बताता है कि ये कार्टिलेज को रिपेयर और रिबिल्ड करने के अंदर मदद करता है। और इस मॉलिक्यूल को ये सब देखते हुए हमने इस्तेमाल किया है जॉइंट फ्रेश में, जिससे आप अपने सर्जरीज को अवॉइड कर सकते हैं। जॉइंट फ्रेश मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है और इसके साथ में यदि आप 4 स्टेप का इस्तेमाल करते हैं जो आपके दर्द और सूजन को भी कम करता है और हर्बल है, सप्लीमेंट है, इसके कोई एस सच बहुत बड़े कोई कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफेक्ट्स नहीं है, सेफ है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। इन दोनों को इस्तेमाल करने से आपके जोड़ों का दर्द, सूजन, फ्लूइड की क्वालिटी, कार्टिलेज की थिकनेस और इसके साथ में आपकी मूवेबिलिटी इंप्रूव होती है, जिससे आप इजीली अपनी सर्जरीज को लॉन्ग रन यूज करने में अवॉइड कर सकते हैं। इसके साथ में जनरल हेल्थ के लिए, हड्डियों की हेल्थ के लिए अगर आप कैल्शियम और विटामिन डी लेते हैं तो अच्छे रिजल्ट आते हैं। और 4 स्टेप के इस्तेमाल से आप दर्द निवारक गोलियां जो आपके लिवर किडनी को खराब करती हैं उसके इस्तेमाल से बच सकते हैं। इसके साथ में मरीज को अक्सर मैं सलाह देता हूं कि आप अपने जनरल प्रोटोकॉल को जरूर फॉलो करें, जैसे अपना वजन घटाएं, अगर घुटनों में कुछ नौकनी या बो लेग की डिफॉर्मिटी है उस डिफॉर्मिटी को करेक्ट करें, अन्यथा उसके कारण आपके बॉडी का वेट शरीर के एक हिस्से या जोड़ों के एक हिस्से में पड़ने के कारण, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उस हिस्से की कार्टिलेज तेजी से घिस के डैमेज हो जाती है और फिर आपको सर्जरी करानी पड़ती है, तो उससे बचा जा सकता है। साथ में नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करें, यदि आपके पास नहीं है नीचे सबमिट करके मेरे असिस्टेंट से मंगा सकते हैं। कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस करें, अनवांटेड वॉक बंद करें, पालती मार के बैठना बंद करें, अनवांटेड सीढ़ियां ना चढ़ें, हल्का गर्म सिकाई करें, देसी टॉयलेट यूज ना करें। ये सारे प्रोटोकॉल के इस्तेमाल से आप अपने जोड़ों की सर्जरी से बच सकते हैं। और फिर भी अगर आपके आर्थराइटिस रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप सबमिट करें, मेरी टीम आपकी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।